गया। जीएम फील्ड ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एमडी की वेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तब्दील कर दी। जीएम फील्ड की तरफ से तब्दीली के बाद गंदम किसानों की बजाय आढ़तियों से खरीदी गई। आढ़तियों ने किसानों से गंदम 2800 रुपए फी मन खरीद कर पास्को को 3900 रुपए फी मन फरोख्त की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमडी की वेट और प्रोक्योरमेंट में तब्दीली सामने आई है। जीएम फील्ड की तरफ से तब्दीली के बाद गंदम किसानों की बजाय दूसरे लोगों से खरीदी गई है। पास्को में गंदम खरीदारी का स्कैंडल सामने आ गया है। जीएम फील्ड जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, एमडी की वेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। जीएम फील्ड की तरफ से तब्दील के बाद गंदम किसानों की बजाय आढ़तियों से खरीदी गई है। आढ़तियों से गंदम खरीदी गई है। पास्को में गंदम खरीदारी का स्कैंडल सामने आ गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जीएम फील्ड जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेख रशीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख रशीद बताइएगा, जहूर अहमद रांझा को गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद आप हमें सुन पा रहे हैं? जी वो जीएम फील्ड जहूर अहमद रांझा को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने किसानों से बराह रास्त गंदम की खरीदारी की बजाय आढ़तियों से गंदम की खरीदारी की और आढ़तियों से उन्होंने 3900 रुपए फी मान खरीदारी की, जबकि आढ़तियों ने वही गंदम 2800 रुपए लेके पास्को को बेच दी, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन का जो है इल्जाम इन पर लगाया गया है। और एफआईए के जराये के मुताबिक तकरीबन कोई 24 करोड़ रुपए की जो है इन्होंने कैश आढ़तियों से वसूल किया है, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। जी गिरफ्तार कर लिया गया है शेख जहूर को। शेख रशीद आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।